नमस्कार। उम्मीद है कि सभी बच्चे अच्छे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना, मतलब स्टार्ट का मतलब आगे बढ़ाएंगे वर्ब एडवांस को। वर्ब एडवांस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वर्ब एडवांस में हमने क्या जाना था? वर्ब एडवांस हम उसको कहते हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो किसी भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग या किसी भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। हमने जाना था जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं उसके हमने तीन रूप लेके जाने थे, इन्फिनिटिव, उसके बाद जीरंड, उसके बाद हमने जाना पार्टिसिपल्स। इन्फिनिटिव अपने आप में दो होते हैं, टू इन्फिनिटिव, टू प्लस वी वन, बेयर इन्फिनिटिव, सिंपल वी वन। उसके बाद हमने जाना था जीरंड, जीरंड का रूप होता है वी वन प्लस आई एन जी। उसके बाद हमने जाना था पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव ये तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वी वन प्लस आई एन जी, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता, ठीक है। हमने ये भी जाना था कि बेसिकली हमें इसमें फाइनाइट वर्ब वो वर्ब जाननी है जो ये पैटर्न डिसाइड करती हैं कि इसके बाद आने वाले। देखो ये बात तो हमें पता ही है। क्या पता है? बेसिकली हमें जो सीखना, हमें वो सीखना है ऐसी कौन सी फाइनाइट वर्ब हैं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं और यही टेंस बनाती हैं, यही मेन वर्ब होती हैं, ठीक है। यानी मेन वर्ब का दूसरा नाम फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं इनके बाद आने वाली जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कैसी होती हैं। यानी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो जीरंड होगा या इन्फिनिटिव होगा, इसको डिसाइड करने का काम किसके पास होता है? फाइनाइट वर्ब के पास होता है। हमने जाना था कि टू इन्फिनिटिव को डिसाइड करने वाली फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी थी। आपने सुना होगा चूज, प्रीफर, मैनेज, एग्री, डिसाइड, वॉन्ट, विश, या फिर वुड लव, वुड लाइक, वुड हेट, ठीक है। तो ये बात हमने जानी थी। इन फाइनाइट वर्ब के बाद हम टू प्लस वी वन का यूज़ करते हैं। उसके बाद किसी भी सेंटेंस के अंदर जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर हमें सब्जेक्ट नज़र नहीं आता तो हम वहाँ पे टू प्लस वी वन को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। और हमने जाना इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। ये जो टाइम होते हैं, इमेजिनेशन बताने वाले जो फ्रेजेज होती हैं, इनके बाद अगर हमें सब्जेक्ट नज़र नहीं आता तो वहाँ सब्जेक्ट के रूप में हम टू प्लस वी वन का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हमें जानना है कि भाई जो बेयर इन्फिनिटिव है ना, यहाँ पे कौन सी ऐसी फाइनाइट वर्ब है जो ये डिसाइड करेगी कि नॉन फाइनाइट वर्ब बेयर इन्फिनिटिव आएगा। तो वो वर्ब्स आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे वो वर्ब्स कौन कौन से एक बार हम देख लेते हैं। जैसे सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, लिसन, हेल्प, मेक, लेट और बिड। ये 10 या 12 वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ये वर्ब आपको याद रखनी है। ये फिक्स पैटर्न लेके चलती हैं, हालांकि अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट ये चेंज भी हो जाता है, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि ये जो 10 या 12 वर्ब होती हैं इन वर्ब्स के बाद हमेशा हम सिंपल बेयर इन्फिनिटिव लेके चलते हैं। अब हम देखो ये बात नहीं है कि भाई इसके ना दो पैटर्न हमें नज़र आते हैं। कौन कौन से पैटर्न नज़र आते हैं ये बात आप बहुत आराम से यहाँ सीखिए। क्या, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखने का काम करता हूँ, जैसे राजू हेल्प मी, कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सबसे पहले एक हमने लिखा, दूसरा मैं लिखता हूँ रिया मेड मी अंडरस्टैंड द टॉपिक। एक मैंने लिखा सी, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, सी कांट लेट मी गो, ठीक है, मी आ गया सब में तो यू लगा लीजिए, ठीक है। मैंने आपसे अभी क्या बताया, यहाँ पे वो लिखो,
मैंने आपसे अभी क्या बताया कि आपको जो वर्ब याद रखने, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, सी वॉच नोटिस ऑब्जर्व हियर लिसन हेल्प मेक लेट बिड, ये जो वर्ब्स होती हैं इनके बाद हम हमेशा जो यूज करते हैं वो वी वन यूज करते हैं, केवल हम सिंपल इन्फिनिटिव। इसको हम सिंपल इन्फिनिटिव या वेर इन्फिनिटिव कहते हैं क्योंकि सिंपल होता है, सिंपल वी वन इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको बहुत आराम से समझना, क्या सबसे पहले आपने देखा राजू, राजू अपने आप में सेंटेंस का क्या हुआ सब्जेक्ट, आपने उसके बाद देखा हेल्प, हेल्प यहाँ पे आती है एक फाइनाइट वर्ब, और इसी फाइनाइट वर्ब को हम मेन वर्ब लिखने का काम करते हैं, और इस फाइनाइट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हो गया वो कौन हो गया, मी। क्या ये बात समझ पाए? इसके बाद यहाँ पे जो आपको लिखना है वो अपने आप में लिखनी है नॉन फाइनाइट वर्ब, और इस नॉन फाइनाइट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द प्रोजेक्ट। तो मैंने आपसे क्या बताया अभी, अभी मैंने आपसे बताया कि फाइनाइट वर्ब के बाद हम क्या लिखने की कोशिश करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपको नज़र आई फाइनाइट वर्ब, तो इस फाइनाइट वर्ब के बाद आपको यहाँ पे लिखना है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव में टू इन्फिनिटिव होगा या बेर इन्फिनिटिव होगा या जीरंड होगा, इस बात को डिसाइड करने का काम किसके पास होता है, इस फाइनाइट वर्ब के बाद के पास होता है। तो आपने समझा कि इनमें से अगर कोई वर्ब्स हमें नज़र आ जाए फाइनाइट वर्ब, तो आपको हमेशा याद रखना इनके बाद हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं। तो आपने देखा इनके बाद हम हमेशा यूज करते हैं सिंपल क्या, वी वन, सिंपल वी वन यूज करते हैं, इसलिए आपने यहाँ पे सिंपल वी वन यूज़ कर लिया, कंप्लीट, यानी टू लगाया नहीं, बेर इन्फिनिटिव हमने यूज किया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आपने देखा रिया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, मेड अपने आप में एक फाइनेट वर्ब और यही यहाँ पे मेन वर्ब, इस फाइनेट वर्ब का मी हो गया अपने आप में ऑब्जेक्ट। आगे आपने यहाँ पे लिखनी है नॉन फाइनाइट वर्ब, और इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ये द टॉपिक। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बताया कि फाइनाइट वर्ब के बाद ही नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी। तो ये फाइनाइट वर्ब अगर हम यहाँ देखें तो मेक की सेकंड फॉर्म है, तो इस मेक के हिसाब से हमें यहाँ पे लिखनी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेर इन्फिनिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल यूज़ करने की कोशिश की। अंडरस्टैंड? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, आइए। आपने देखा कि भाई सी अपने आप में क्या हो गया सब्जेक्ट, कांट अपने आप में मॉडल, या फिर चाहो तो इसे यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेट की मैं बात करता हूँ तो यकीनन अपने आप में फाइनाइट वर्ब। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये जो फाइनाइट वर्ब है ये डिसाइड करे कि नॉन फाइनाइट वर्ब कैसी आए। बात आप समझ पा रहे? और यू अपने आप में क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया, इस फाइनेट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। उम्मीद है कि ये सारी बात आप समझ पाए, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी वर्ब को हम दो ही तरीके से यूज कर सकते हैं। भाई अगर मैं यहाँ पे लिखूँ किसी भी वर्ब को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो वो वर्ब होगी एक्टिव वॉइस में या फिर वो वर्ब होगी पैसिव वॉइस में। किसी भी वर्ब के हम दो ही तरीके से यूज कर सकते हैं किसी सेंटेंस में, या तो होगी वो एक्टिव वॉइस में या होगी वो पैसिव वॉइस में। बात आप समझो, आपने इस वर्ब को देखा फाइनेट वर्ब को, आपने देखा कौन सी फॉर्म में, आपने कहा एक्टिव वॉइस में। अगर ये एक्टिव वॉइस में है, अगर ये सारी की सारी वर्ब्स, अगर ये सारी की सारी वर्ब्स आपको एक्टिव वॉइस में नज़र आ जाएं, तो इनके बाद आप हमेशा सिंपल वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करते हैं। अगर ये वर्ब याद रखेंगे, अगर ये वर्ब पैसिव वॉइस में आ जाए तो पैसिव वॉइस में हम हमेशा इन्फिनिटिव, वो भी कौन सा, टू इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वी वन यूज करते हैं। फिर से मैंने एक बार फिर से समझो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया सी वॉच नोटिस ऑब्जर्व हियर हेल्प मेक लेट बिड लिसन, ये जितनी वर्ब्स हैं, जितनी वर्ब्स मैंने यहाँ पे लिख दी, अगर ये सारे के सारे वर्ब्स अपने आप में एक्टिव वॉइस में नज़र आती हैं, कौन सी वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, तो हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अगर ये सारे के सारे वर्ब्स हमें पैसिव फॉर्म में नज़र आती है तो इसके बाद हम टू प्लस वी वन का यूज करते हैं। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी ये एक्टिव वॉइस में थी इसलिए हमने सिंपल वी वन का यूज़ किया, यानी यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया, गो यूज कर लिया। ठीक है, तो आइए अब हम सीखते हैं यदि हम इनका पैसिव वॉइस बनाने लग जाएं तो हम कैसे बनाएंगे। तो बहुत आराम से आपको समझना है, पैसिव वॉइस मुझे पता है अभी आपको नहीं आते होंगे लेकिन एक बात समझनी है, सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या
के बाद हेल्पिंग वर्ब, के बाद मेन वर्ब, के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट यानी ऐसा चमो। उसको बनाने के लिए ओ एच एम बी एस, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाय और सब्जेक्ट। हालांकि इसको हम बहुत अच्छे से जानेंगे जब हम एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने देखा ऑब्जेक्ट मी, मी का क्या बनेगा, आपने कहा आई, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए हेल्प, यानी कि सेकंड फॉर्म है तो इसका बन जाएगा वॉज हेल्प, ठीक है, आई वॉज हेल्प्ड। अब आपने क्या देखा कि भाई यहाँ पे जो हेल्प है ना, ये पैसिव वॉइस में आ गई। अगर ये पैसिव वॉइस में आ गई, अगर ये पैसिव वॉइस में आ गई, तो आगे आने वाली जो नॉन फाइनेट वर्ब है वो टू के साथ आएगी, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू। उसके बाद आप लिखेंगे कंप्लीट, आई वॉज हेल्प्ड टू कंप्लीट, उसके बाद द प्रोजेक्ट बाय राजू, ठीक है, बात आप समझ पा रहे हैं। आगे आपने देखा सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यानी आई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे आई, इसको हम लिखेंगे आई वॉज मेड। अब आपने देखा जो मेक है वो पैसिव वॉइस में है, अगर ये पैसिव वॉइस में है तो उसके बाद हम टू, टू के बाद लिखेंगे अंडरस्टैंड, आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड, उसके बाद लिखेंगे द टॉपिक, उसके बाद लिखेंगे बाय रिया। उम्मीद है ये सारी बातें आप समझ पा रहे हैं। अब आपको ये बात याद रखनी है, जो लेट होता है ना, लेट लेट जो होता है, ये चाहे हो एक्टिव फॉर्म में चाहे हो पैसिव फॉर्म में, इसके बाद आप हमेशा वी वन का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वी वन का। तो आप इसको बनाने की कोशिश करोगे, सबसे पहले आपने लिखा यू, या फिर अगर यहाँ पर आप नहीं समझते तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपने क्या लिखा यू, उसके बाद आपने लिखा कांट, यू कांट, सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो उसका सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने लिखी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कांट, उसके बाद आपको बताया कि मॉडल के बाद हम बी का यूज़ करते हैं, बी के बाद आप थर्ड फॉर्म यही होती है लेट की। उसके बाद आपको याद रखना है कि लेट के बाद जो भी आपको चाहिए वो बेर इन्फिनिटिव चाहिए, यू कांट बी लेट, उसके बाद लिखा गो, उसके बाद लिखा बाय, और उसके बाद क्या लिख दिया हर। कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर हमें पैसे वॉइस नहीं आते, भाई पैसे वॉइस नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यहाँ पे केवल बस इतना सिखाना था, अगर ये फॉर्म्स हमारी एक्टिव फॉर्म में है तो यहाँ पे वी वन, अगर ये पैसिव फॉर्म में है तो टू प्लस वी वन, लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं, लेट एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस दोनों में क्या लेती है? वी वन लेती है। उम्मीद है सारी बात समझ पाए, मुझे केवल इतना आपको बताना था, अगर पैसिव आ जाए तो इनके साथ क्या आएगा? टू। पैसिव आ जाए तो क्या आएगा? टू। एक्टिव आ जाए तो टू नहीं आएगा, सिंपल V1, अगर एक्टिव आ जाए तो इनके साथ सिंपल क्या आएगा? V1 आएगा, 2 नहीं आएगा। फिर से जानिए, नो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब का पैटर्न डिसाइड करती हैं, सबसे पहली बात ये। आज हमने जाना बेर इन्फिनिटिव को डिसाइड करने वाली जो वर्ब्स हैं वो कौन सी हैं, आपको बोलना है साथ साथ, सी, वॉच, नोटिस, हेल्प, हियर, लिसन, मेक, लेट, बिड, ऑब्जर्व, ये जो वर्ब्स होती हैं ये सारी की सारी वो वर्ब्स हैं। अगर ये एक्टिव फॉर्म में है तो सिंपल वी वन यानी बेर इन्फिनिटिव लेंगी, अगर ये पैसिव फॉर्म में है तो ये टू प्लस वी वन यानी टू इन्फिनिटिव लेंगी, लेकिन लेट एक्टिव और पैसिव दोनों में क्या लेती है? सिंपल वी वन। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ आया, थैंक यू।